हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि कौन सी बिन छोटी होती है, कौन सी बिन बड़ी होती है, इसकी हम आपके लिए लेकर आए ट्रिक। सिर्फ जब दो बिन दी हो, ठीक है। इसमें लिखा कि जब दो बिन हो, यानी जब दो बिन दिए होंगे तब आप ये वाली ट्रिक फॉलो करोगे जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए कौन सी बिन है वो, ठीक है, कौन सी ट्रिक आती है, देखिए आप। सबसे पहले देखते हैं हम इसमें तीन और सात तिरछी गुणा कर देनी, क्या कर देनी इसमें हम तिरछी गुणा हमें कर देना होगा इसमें, ठीक है, तिरछी गुणा, ठीक है, तिरछी गुणा कर देना होगा इसकी। इधर करना सात में छः की आठ में करना, तीन सत्य हमारा कितना होता है इक्कीस, तीन सत्य हमारा होगा इक्कीस, तीन सत्य हमारा हो गया इक्कीस, और छः की कर देंगे हम आठ में, छः की हम करेंगे आठ में, तो छः अट्टे हो जाएगा हमारा अड़तालीस, छः अट्टे हो गया कितना हमारा अड़तालीस। तो हमारा देखिए इक्कीस बड़ा है कि अड़तालीस बड़ा है, तो जाहिर साफ साफ दिख रहा है आपको, जाहिर सी बात है कि इक्कीस में इक्कीस छोटा है और अड़तालीस बड़ा है, तो हमारा इसमें बैठेगा इक्कीस छोटा है अड़तालीस से, यानी कि अपनी भिन्न जो बड़ी होगी वो सात बटा छः छोटी होगी और आठ बटा तीन जो है वो अपनी कैसी है बड़ी होगी, ठीक है। ये अपना इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसमें हमें यही बताना होता है कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है, ठीक है। अब छः बटा तीन और आठ बटा चार, इसमें देखना है कौन सी छोटी कौन सी बड़ी है, यही ट्रिक फॉलो कर लो। अब तो आप बहुत तेज हो गए होगे वैसे भी, ठीक है, क्योंकि छः और चार की गुणा की, छः और चार की गुणा होगी इसमें तीन और आठ की गुणा होना, ठीक है। तो चार छिंग चौबीस, चार छिंग चौबीस कर दिया, और तीन और आठ की गुणा करें तो तीन अट्ठे ये भी चौबीस रह गया, लेकिन इसमें तो हमें कोई बड़ा या छोटा नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में हम क्या करें, इस कंडीशन में हमारा सवाल गलत नहीं होगा, दोनों मिला आपस में कैसी हैं, इक्वल होंगी, यानी कि बराबर हैं, ठीक है, दोनों बराबर होती हैं हमारी, देखिए यहाँ भी चौबीस है और यहाँ भी चौबीस है, तो ये हमारे कैसी हैं दोनों बराबर थे, यानी कि हमारा बड़ा कौन सा होगा, इसमें कोई सा बड़ा नहीं होगा, दोनों बिन आपस में बराबर हैं, दोनों बिन आपस में कैसी हैं कि दोनों बिन आपस में बराबर हैं, दोनों बिन आपस में बराबर हैं, ठीक है। उसके बाद देखना हमें इसमें नीचे वाले बिन में कि सात और तीन की गुणा कर देनी, सात और तीन की गुणा करनी है और छः और आठ की गुणा करनी है, यानी सात की तीन के साथ करो, सात तीन इक्कीस और छः के आठ के साथ करो, छः अट्ठे अड़तालीस, छः अट्ठे अड़तालीस, ठीक है, इक्कीस बड़ा है कि अड़तालीस, अड़तालीस बड़ा है, यानी कि ये वाली बिन बड़ी हुई, ठीक है, ध्यान लिख दोगे जो इक्कीस छोटा है अड़तालीस से, यानी कि बड़ी बिन होगी हमारी तीन बटा छः से, कौन सी बिन बड़ी है आठ बटा सात, आठ बटा सात बिन हमारी कैसी है बड़ी है, यानी इसका यहाँ से ये वाला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं इस वाले में, ये देखिए इसकी उड़ा करनी है हमें सात की उड़ा छः के साथ और सात की उड़ा आठ के साथ, तो सात छः बयालीस और सात अट्ठे छप्पन, ठीक है, तो कौन सी इसमें भिन्न बड़ी होगी हमारी, बयालीस वाली छोटी है, बयालीस नंबर छोटा है छप्पन से, यानी कि बयालीस वाला जो भिन्न है छः बटा सात ही छोटा होगा हमारा आठ बटा सात से, यानी ये वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी अपनी, ये वाली भिन्न सारी है यानी भिन्न बढ़िया होगी, दोनों कैसे आपस में बराबर हैं और ये वाली बड़ी है इससे, ठीक है।